स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ को, जिसे हम सॉ के यूनिवर्स में 9th पार्ट भी कह सकते हैं, जो एक हिसाब से सॉ के यूनिवर्स को एक फ्रेश रीस्टार्ट देती है। ऐसी शुरुआत इसके पहले इसी यूनिवर्स की 8th फिल्म जिग्सॉ को भी लेकर की गई थी और फिर से उसी चीज को रिपीट स्पाइरल के जरिए किया गया है। जिसके अगर रीजन की बात करें तो वो रीजन है फिल्म के लीड एक्टर क्रिस रॉक, जिनके दिमाग में इस फिल्म को लेकर डिफरेंट ही आइडिया आए थे और फिर क्या उनके इसी आइडिया को फॉलो करते हुए लॉयन गेट्स ने पूरी की पूरी फिल्म बना दी और ये फिल्म सॉ के यूनिवर्स से सिर्फ जिग्सॉ किलर के हिसाब से ही मिलती है, बाकी और किसी से भी नहीं। यानी कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए सॉ के यूनिवर्स के बाकी कोई भी पार्ट्स को देखना कंपलसरी नहीं है। और कहानी की बात करें तो कहानी का फोकस क्रिस रॉक के कैरेक्टर डिटेक्टिव जैकी ब्लैंक्स पर करता है, जो एक ईमानदार पुलिस वाला है जिसका पाला जिग्सॉ किलर की ही तरह मर्डर करने वाले किलर से पड़ा है, जो शहर में सिर्फ पुलिस वालों को ही चुन चुन कर मार रहा है, वो भी बहुत ही बेरहमी से। और वो किलर अपने इस खेल के लिए डिटेक्टिव जैकी को ही चुनता है, जिस कारण से डिटेक्टिव जैकी की लाइफ में क्या कुछ होगा और वो इस केस को सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं, और इन सब के पीछे क्या सच में जिग्सॉ किलर है या फिर उसी को कॉपी करने वाला कोई और, वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जो कि एक्चुअल में लॉयन गेट्स प्ले पर हिंदी में भी अवेलेबल है। जिसकी हिंदी डब की मैं अभी ही बात करूं तो फिल्म की हिंदी डब मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई है, क्योंकि डबिंग को बहुत ही वियर्ड तरीके से किया गया है। मानो जैसे फिल्म के सभी कैरेक्टर्स पर वॉइस आर्टिस्ट की आवाज सूट ही नहीं करती, बट फिर भी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है तो लोगों के पास एक काफी अच्छा मौका है इस फिल्म को एंजॉय करने का, क्योंकि फैंस इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे और अब ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। बट सवाल निकल कर यही आता है कि क्या अब आपको आपका समय सॉ के यूनिवर्स की इस एक और नई चैप्टर की फिल्म स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ को देना भी चाहिए या नहीं, जिसकी लेंथ 1.5 घंटे की ही है। चलिए अब उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। तो फ्रेंड्स, तो बात करें स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ फिल्म की, तो इस फिल्म के बारे में बोलने जैसा अच्छा तो कुछ खास है नहीं, सिवाय इसके कि बस ये टाइम पास से बनाई गई फिल्म है, जिसे लोग सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के टाइटल और फिल्म की दो कास्टिंग की वजह से देखेंगे, जिनमें से एक नाम तो क्रिस रॉक का ही है और दूसरा सबसे बड़ा नाम है सैमुअल जैक्सन का, जिनका अपीयरेंस उतना ही है जितना हमने ट्रेलर में देखा। यानी कि वो इस फिल्म में कैमियो प्ले कर रहे हैं और उसमें भी सैमुअल जैक्सन परफॉर्मेंस के मामले में अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। बात रही अब क्रिस रॉक के कैरेक्टर की, तो उन्हें मैंने इस तरीके का सीरियस रोल करते हुए पहली बार देखा है, हालांकि उन्होंने इसके पहले भी कुछ सीरियस रोल किए हैं, बट मुझे उसका उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी कि मैं क्रिस रॉक को कॉमेडी के जॉनर से हटकर एक सीरियस रोल में देखूं, जिसे देखकर कहीं कहीं पर मुझे हंसी और कहीं पर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रही थी, क्योंकि इस कैरेक्टर में इतना दम नहीं कि हम उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाए और इस पूरी की पूरी फिल्म को बैठकर उनके नजरिए से देखें। रही बात हंसी की, तो वो हंसी तो उनकी आवाज को सुनकर आती है। इसके अलावा जो बात मैंने फिल्म के कैरेक्टर को लेकर कही है, वो सिर्फ क्रिस रॉक के साथ ही नहीं बल्कि फिल्म में दिखाए गए सभी के सभी कैरेक्टर्स के साथ होता है। यानी कि फिल्म में किसी भी कैरेक्टर्स पर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की चीज होती है उसे किया ही नहीं गया, इसलिए ये फिल्म मेरी नजर में तो विदाउट सोल फिल्म है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने खाली समय में ही देख सकते हो। रही बात फैंस की, तो उनके लिए ये फिल्म सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के और कुछ नहीं देती, खास करके फिल्म के एंड में, जिसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी फिल्म के इस तरीके के सीक्वल को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा एंड दे दिया गया जो इस फिल्म और सॉ की फ्रेंचाइजी को आगे कहीं लेकर ही नहीं जाता। इसके अलावा जो मकसद फिल्म के विलेन यानी कि जिग्सॉ किलर के दिखाए गए हैं, उसमें तक कोई डेवलपमेंट नहीं की गई और ना ही विलेन के कैरेक्टर को डेवलप करने में, जिस कारण से तो ये फिल्म हमें एक ऐसे आइडिया पर बनाई गई फिल्म लगती है जिस आइडिया को कोई भी सोचकर इस फ्रेंचाइजी को आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी फिल्म के डायरेक्टर डैरेन लिन बॉसमैन को दी गई थी, जिन्होंने इसके पहले सॉ के यूनिवर्स के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को डायरेक्ट किया है। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, स्टोरी में डेवलप करने जैसा कुछ था ही नहीं, इसलिए वो भी इस फिल्म को बचा नहीं पाते। और बात रही सॉ की सीरीज में फैंस जो देखते हैं यानी कि ब्रूटल मर्डर्स की, उनकी संख्या भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा कम है, और हाँ उसके पीछे का ट्विस्ट भी, जिसे प्रो ऑडियंस तो स्टार्ट के कुछ ही मिनट्स में गैस कर लेती है कि जिग्सॉ किलर ने डिटेक्टिव जैकी को ही क्यों चुना और इन सब के पीछे उसका मकसद है क्या। और अब बात कर ले फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, जैसे कि फिल्म की राइटिंग बहुत ही ज्यादा पुअर है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी वैसी ही है, बट स्टूडियो की तरफ से फिल्म का बजट अच्छा रखा गया था, इसलिए ये फिल्म हमें सॉ के यूनिवर्स की फिल्म लगती है, जिसमें कलर करेक्शन भी ठीक है, फिल्म की फोटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग और सिनेमेटोग्राफी भी। बट BGM फिल्म का बहुत ज्यादा फीका है और एडिटिंग तो हिसाब से ज्यादा तेज है, जो पलक झपकते ही हमें फिल्म के एंड पर भी ले आती है, वो भी एक दिन से दूसरा दिन कब शुरू हुआ ये बिल्कुल भी ना बताते हुए। इसके अलावा फिल्म का डायरेक्शन भी ठीक है, और हाँ आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हो अगर उन्हें ब्रूटल मर्डर देखना पसंद है तो ही, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में बाकी ऐसी कोई भी न्यूडिटी है नहीं। बाकी अब आ जाते हैं सीधे फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए ये फिल्म डिजर्व करती है 5 में से 1 स्टार, कॉमेडी के लिए
लिए 0, ड्रामा के लिए 5 में से 1.5 स्टार। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कहानी कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर पाती हमारे सामने, वैसा ही कुछ सस्पेंस के साथ भी होता है, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 0.5 स्टार की ही बनेगी। क्योंकि फिल्म के स्टार्ट के कुछ ही मिनट में मैंने गेस कर लिया था कि असली जिग्सॉ किलर है कौन। उसके बाद इस फिल्म के हॉरर फिल्म के लिए 5 में से 2 स्टार बनते हैं। उसके बाद बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये एक अच्छी टाइम पास से बनाई गई फिल्म है, जिसे वो लोग देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे। और हाँ, वैसी ऑडियंस भी जिन्होंने हुडनिट के कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए रेटिंग भी B+ की बनती है। बाकी आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म C+ की रेटिंग डिजर्व करती है, और मैं इस फिल्म को C- की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये कंप्लीट फ्लॉप और टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ फिल्म को लेकर। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और